हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात कर रहे हैं डेव इन पे। एंड आई डोंट नो कंपनी का नाम इसका डेव इन क्यों रखा है। आई थिंक ये डेव आउट है, क्योंकि ये डेवलपर्स को आउट कर देगा अगर ये अपने पोटेंशियल को जिस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि अभी तो नया नया आया है, धीरे धीरे इवॉल्व भी करेगा जैसे GPT इवॉल्व किया है। आई बिलीव ये डेव आउट साबित होगा बहुत सारे डेवलपर्स के लिए। आज मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ वाला टाइप्स में जल्दी फटाफट कोई बातचीत करना नहीं चाहता कि लाइक फट चीज़ें बताई, ना आई थिंक वो इनजस्टिस होगा, क्योंकि फट चीज़ें बताने में बहुत सारी डिटेल्स छूट जाती हैं। तो अगर आपके पास समय है तो इसको ढंग से देखें और खतरे को नापें, समझें। और सिर्फ बात डेविन के बारे में नहीं है, देर आर फ्यू मोर थिंग्स जो पूरी इक्वेशन को बहुत अजीब सा बना देती है। I don't know कि कितने डेवलपर्स ने इस पर बात करी है, कितने चैनल्स ने इस पर बात करी है, नहीं, बट फॉर मी मुझे ये बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपसे कुछ की पॉइंट्स रखता हूँ एंड इन की पॉइंट्स के अराउंड पूरी कन्वर्सेशन चलेगी। सबसे पहला की पॉइंट, डेविन है या नहीं है वो तो आप बाद में बात करते हैं, बट पहले क्वालिटी ऑफ कह सकते हैं डेवलपर्स जो इस वक्त हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आप समझते हैं ना, भारत में कुछ लोग बहुत अमीर हैं, अंबानीज, अडानीज, यू नो, अदर बिजनेसमैन जो टॉप पे बैठे हुए हैं। एंड भारत में देर आर पीपल जो बहुत गरीब हैं, एंड बीच में भी काफ़ी बड़ा चंक है। इवन मिडिल क्लास में भी ऐसा है, मिडिल क्लास में कुछ मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास हैं, कुछ मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हैं, और अपर और मिडिल के बीच का फर्क बहुत ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे डेवलपमेंट में भी है। आजकल मुझे बच्चे या तो ऐसे मिलते हैं कि उनको बेसिक कैलकुलेटर ऐप बना तो लेते हैं, लेकिन उसमें भी वो चार बार गलत होते हैं, चार बार इधर उधर वीडियो को चेक करते हैं। बेसिक उनसे कहो कि एक बटन पे क्लिक करके एलिमेंट्स को फिल्टर आउट कर दो, उनसे वो भी सॉल्व नहीं होता, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस। बट मैं देखता हूँ कि वो सभी लोग फैंसी चीज़ों को सीखने के लिए तरफ जा रहे हैं। लाइक मैं आपसे बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कोई लाइक कोर्स का नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं इंटरनेट पे, अलग अलग चैनल्स के द्वारा, अलग अलग क्रिएटर्स के द्वारा, दे आर टीचिंग फैंसी थिंग्स। मैं भी बस एक फैंसी थिंग का नाम लेता हूँ, लेट्स से पढ़ रहे हैं क्या, इवन ये फैंसी भी नहीं है, फैंसी नहीं है, रिएक्ट मान लेते हैं, रिएक्ट, ठीक है, ये कोई फैंसी नहीं है, ये आपको आना चाहिए और सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए, आई वुड से। तो रियक्ट जेएस फॉर एग्जांपल, ये वो लोग सीख रहे हैं जिनको बहुत अच्छे से एचटीएमएल सीएसएस जेएस भी नहीं आता। मैं आपको एक डेटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे स्टूडेंट्स हैं लेट्स से 200, तो हम 200 स्टूडेंट्स को अगर टास्क देंगे कि आपको एक अरे से, एक अरे में ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स में डेटा है, आपको वो डेटा सारा शो करना है पेज पे विद द हेल्प ऑफ JS, एंड आपको बटन ऐड टू कार्ट दबाने पे उसको एडिट कर देना है, एंड दैट शुड बी एडिड टू द कार्ट, और वहाँ पे वो दिखना चाहिए, और ये सब आपको फ्रंट एंड पे मैनेज करना है, बेसिक लोकली आपको ये क्रिएट करना है, और रिफ्रेश हो तो डेटा चला जाए, कोई बात नहीं, जस्ट बेसिक HTML CSS JS। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे होंगे उनमें से आई वुड गारंटी 80% 85% के ऊपर ये लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे, एंड दिस इज ट्रुथ। मतलब दे माइट से कि नहीं हम बना लेंगे, बट वो जब बनाने जाएंगे तो उनसे नहीं बनेगा। क्या समझ रहे हैं, स्ट्रेट समझ रहे हैं, बच्चों की क्वालिटी और जो कह सकते हैं आप जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो घटी है, पहली बड़ी प्रॉब्लम। अब आते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पे। जब आप डेविन जैसे कुछ AIs आते हैं, जिनको नहीं पता डेविन क्या है, भाई ये तो हॉट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। बाई द वे, डेविन एक कह सकते हैं पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसा उनकी कंपनी दावा करती है। कहने का मतलब है कि लेजिट आप उससे ये करा सकते हो जब मैं बताऊंगा। अभी तक क्या हो रहा था, मैं GPT पे जाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे एक वेबसाइट बनानी है जिसमें ऐसा ऐसा एनिमेशन हो, तो वो मेरे लिए बना के दे देगा, पर वो वेबसाइट डायरेक्ट बना के नहीं देगा, वो मुझे कोड देगा जो कि मुझे अलग अलग फाइल्स में लिखना पड़ेगा, कई बार वो ब्रेक होगा और वो खुद मुझे मैनेज करना पड़ेगा कि वो कोड ब्रेक हो रहा है। तो काफ़ी हेल्प हुई थी, बट इतनी नहीं हुई थी कि आप उसको ये कहें कि भाई यहाँ पे एंड हो गया, फुल स्टॉप लग गया, भाई ऐसा नहीं हुआ था, बट डेव इन वो फुल स्टॉप है। मैं समझाता हूँ कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मुझे एक ऐप बनाना जिसमें आप, मैं चाहता हूँ कि आप GPT को कह सकते हैं इन्वॉल्व हो उस ऐप में, हम लोग एक चैट बॉट बनाना चाहते हैं, तो मैं डेविन को बोलूँगा कि एक चैट बॉट बनाओ और उस चैट बॉट में सारी बातचीत होनी चाहिए, एक चैट बॉट टाइप का एक वेब ऐप बना दो। तो डेविन क्या करेगा, मेरे बस एक छोटे से प्रॉम्प्ट से सब कुछ कोड कर देगा, सब कुछ लेजिट, सब कुछ कोड। आप उससे कहोगे लेट्स से किसी ऐप में AWS, आप AWS इंटीग्रेशन चाहते हो, इट विल डू इट फॉर यू। आप चाहते हैं कि ये इसे होस्ट कर दो, दैट्स अबाउट इट। तो एंड टू एंड, कहने का मतलब शुरुआत से लेके अंत तक, फ्रॉम ग्राउंड जीरो,
आपके लिए पूरा ऐप डेवलपमेंट कर सकता है, पूरा वेब ऐप डेवलपमेंट कर सकता है, आप जो भी चीज करवाना चाहते हो वो कर सकता है। मतलब इट्स मोर लाइक दिस, आपको मैं बहुत ही तगड़ी बात समझाता हूं। अगर आपको एक यूजुअल डेवलपमेंट के दौरान पे एरर्स आते हैं, राइट, तो आपको एक एरर को फिगर आउट करना पड़ता है। तो जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं यू डू एवरीथिंग, डेविन भी सेम तरीके से काम करता है। आपने एक बार टाइप करके आप बैठ जाओ, डेविन अगर किसी पार्ट पे एरर आता है तो डेविन खुद उस एरर को उठाएगा, इंटरनेट पे सर्च करेगा और सारी अपनी बुद्धि लगाएगा कि उसे कहां कहां सर्च करना चाहिए, क्योंकि वो एक एआई प्रोग्राम है, वो एक कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो वो इस चीज को आपसे बेहतर कर सकता है और आपसे जल्दी एरर्स को फिगर आउट कर सकता है कैसे सॉल्व होंगे। तो डेविन के साथ और इन जैसे आने वाले और एआईस के साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है आई थिंक हम हमारे खुद के पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। इट्स नॉट कुल्हाड़ी, इट्स कुल्हाड़ा, ठीक है। जब जीपीटी आया था आज से एक साल सवा साल पहले, तो लोगों ने कहा था कि जीपीटी जॉब नहीं खाएगा। मैं जिन भी कॉलेजेस में इवेंट्स के लिए गया था, मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि जीपीटी जॉब खाएगा या नहीं, मैंने हर बार बोला था जीपीटी जॉब खाएगा, जीपीटी जॉब खा रहा है इस वक्त। इस वक्त लोग कहते हैं दे आर वेरी, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे शो देमसेल्फ लाइक वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हर चीज में सोफिस्टिकेटेड क्यों दिखाते हैं कि हाँ इससे कोई हमें लॉस नहीं होने वाला हमारी कम्युनिटी को। होगा ब्रो, अगर आप किसी की जॉब जाना या एंट्री लेवल जॉब्स का खत्म हो जाना लॉस नहीं समझते हैं तो आई थिंक आपके लिए लॉस नहीं होगा। बट अगर आप एंट्री लेवल जॉब्स ही नहीं आएंगी, बहुत कम आएंगी, आप जल्दी किसी एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करना पसंद नहीं करोगे एज अ ब्रांड या एज अ कंपनी, और ये चीज़ मार्केट में होने वाली है फॉर श्योर। अगर आप इसको कोई बड़ा कह सकते हैं खतरा नहीं मानते तो शायद आपके लिए कोई खतरा नहीं है। बट अगर आप समझते हैं कि हाँ भाई एंट्री लेवल जॉब्स आईटी में काफ़ी कम आएंगी डेवलपमेंट से रिलेटेड, और कंपनीज मेजॉरिटी मेजरली वो अपना एआई से काम निकाल लेंगी, और इसलिए एंट्री लेवल जॉब्स में ना ही अच्छा पे मिल रहा होगा, अगर पे मिल रहा होगा तो बिल्कुल बिल्कुल रौंद देंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, दिन रात काम कराएंगे और तब भी पे उतना नहीं मिलेगा। तो अगर ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट इज, मतलब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। दिस इज गोना हैपन, और आई बिलीव, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वॉट टू से, मतलब लोग अभी इसको इसके बेसिस पे नाप रहे हैं। डेविन ना अभी कुछ ऐसे काम एक्स वाई जेड काम नहीं कर सकता, तो इट्स स्टिल नॉट सो रेलेवेंट। ब्रो यू डोंट नो, जीपीटी जब आया था वो बहुत कुछ नहीं कर सकता था जो अब वो कर सकता है अपने नए वर्जन में। द सिमिलर वे सोरा एआई और ये सब चीज़ें, राइट, एंड वैसे ही डेविन अभी अपना, अभी वो बच्चा है, जन्म हुआ है उसका, अगले दो ढाई साल में आई डोंट नो वो कहाँ पहुँच जाएंगे। तो इट्स लाइक, और दो ढाई साल दोस्त ऐसे निकल जाते हैं। अगर आप अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हो तो फाइनल ईयर में जब आप आ रहे होगे पूरी इंडस्ट्री चेंज हो चुकी होगी। अगर आप 11th 12th में हैं तो जब तक आप ग्रेजुएट होंगे तब तक तो पूरी इंडस्ट्री बदल जाएगी, कौन कहाँ होगा नोबडी नोस। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे लगता है ऐसा होगा जो अब मैं बताऊँगा, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूँ इस पे, बट मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा। मुझे लगता है कंपनीज काफ़ी हद तक एआईस को अपना मेन वर्किंग कह सकते हैं, मेन प्राइमरी वर्क करने वाला कह सकते हैं वे समझेंगी आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी। तो कंपनीज अपने आधे से ज़्यादा काम एआई से कराएंगी, जिसके वजह से काफ़ी सारा ले ऑफ होगा, काफ़ी सारे एंट्री जॉब्स आएंगे नहीं, काफ़ी सारे लोग जो एक्सपीरियंस भी हैं उनको भी बाहर करा जाएगा। पीपल, मैंने कुछ अभी एक दो पॉडकास्ट देखे एंड दे वर सेइंग कि जो 10 साल और 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, जो सीनियर लेवल हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब पता क्या होने वाला है, अगर आपके पास 22 सीनियर लेवल डेवलपर्स हैं, आप बहुत आराम से अपने 15-17 सीनियर लेवल डेवलपर्स को हटा सकते हो, इन टाइप के AI से रिप्लेस कर सकते हो, और आप आराम से अपने 5 डेवलपर्स को बोल सकते हो कि हमें ये टास्क कंप्लीट करना है, आपके पास AI टूल्स हैं, मेक श्योर कि आप उनको दिन रात यूज करें एंड जस्ट कंप्लीट द जॉब। करा ना इफेक्ट 10 साल के सीनियर डेवलपर्स को भी, और 10 साल का सीनियर डेवलपमेंट आपको एक्सपीरियंस तब मिलता है जब आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल काम किए हों, तब उनको तो जॉब भी नहीं मिलने वाली एंट्री लेवल समझ के। तो आई डोंट नो मार्केट कहाँ जाने वाला है, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। लेकिन देखो कुछ लोग इंटेलेक्चुअल बनने के लिए दे माइट से कि उन्हें सब पता है व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी को कुछ नहीं पता ब्रो,
सब झूठ बोलते हैं कि उन्हें पता है कि ये होगा ऐसा होगा। किसी को कुछ नहीं पता, नोबडी नोस नो शिट, ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं आइडिया है कि क्या होने वाला है अब। और मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ व्हाट्स द रियलिटी। मैं कभी भी तुम देखोगे तो मैं कोई AI नया AI आया इस पे आया उस पे आया, मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ, आई डोंट लाइक दिस। मुझे पढ़ाना वढ़ाना पसंद है, बट जब जो सीरियस एक थ्रेट दिखता है ना, उसके बारे में बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई मैं बहुत सोचा पहले इस वीडियो को बनाने के लिए कि मुझे बनानी भी चाहिए या नहीं, बट हियर वी आर। तो समझो दोस्त, इट्स लाइक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तुम लोग जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त और जो भी लोग देखेंगे, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो अच्छे से, ढंग से आपको कोई चीज़ें ढंग से आती नहीं, रिएक्ट देखा तो वो भी नहीं आता, नेक्स्ट आता वो भी नहीं आता, बोले एक जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी आती ज़्यादा अच्छे से वो भी नहीं आता, कुछ भी चीज़ ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है, आपका भी कॉन्फिडेंट फील करते नहीं हो। तो भाई एक तो सिचुएशन आपके ऊपर से उल्टा कि आप खुद को आपको आता नहीं, बच्चों की क्वालिटी घटी है और डेवलपमेंट को ऑटोमेट करने की क्वालिटी बढ़ी है। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इस टाइप के फिगर के साथ हम हमारे लोगों के लिए कैसे जॉब्स लेकर आने वाले हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है कंपनीज अब ये कुछ होगा, जो मुझे लगता है कंपनीज AI को प्रेफर करेंगी, जिसके वजह से ले ऑफ्स होंगे, जॉब्स जाएंगी, काफ़ी सारी जॉब्स जाने की वजह से मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स पे प्रेशर आएगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए उसके लिए। एंड एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे कि कंपनीज को कुछ परसेंटेज ऑफ AI यूज़ कर सकती हैं और बाकी बड़ा चंक उन्हें ह्यूमन को यूज़ करना होगा। मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा। इस प्रेशर के वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट्स से उनकी अनबन होगी एंड दे विल मूव टूवर्ड्स दोज नेशंस जहाँ पे ऐसे रूल्स नहीं हैं। इट विल बी सॉर्ट ऑफ अ वॉर बिटवीन प्राइवेट सेक्टर, ये जो कंपनीज हैं IT सेक्टर कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेशंस। तो आई थिंक ये होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा और ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा ऐसा होगा ही, बट दिस इज़ वॉट आई कैन सी, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा। और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं, किस तरफ लेकर जाएंगे इस गेम को। तो अभी फ़िलहाल के लिए 3-4 साल हैं, अच्छे से पढ़ लो, प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो, गेट योर प्लेसमेंट, बढ़िया तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करके अच्छे से पढ़ो दोस्त। चीज़ें बिगड़ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ढंग से पढ़ें और अच्छी चीज़ें क्रिएट करें। ये टाइम बहुत क्विकली मूव करने का, एवरीबडी वॉन्ट्स स्पीड, आपको भी स्पीड चाहिए, राइट? हर चीज़ में स्पीड चाहिए लोगों को। लोग वीडियो को 1.25x पे देखते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स स्पीड, बट जब तुम लोगों के लिए काम करते हो तो यू डोंट वॉन्ट टू वर्क फास्ट। तो ये तो गलत हो गया ना भाई, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग स्पीड फ्रॉम एवरीवन एल्स, इट्स मोर लाइक दैट। तो बहुत क्विकली तुम्हें सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज थिंग्स आर एस्केलेटिंग प्रेटी क्विकली। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे डर लगता है इससे, और मुझे लगता है कि मुझे मेरे लिए डर नहीं लगता, मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही गंदी सिचुएशन देखने वाले हैं बहुत जल्दी। दिस इज़ व्हाट आई फील। जाते जाते बस इतना बोलता हूँ, मेजॉरिटी फाउंडर्स जो होते हैं, 10 में से आई वुड से 8 फाउंडर्स बिजनेसेस के, दे आर ऑलवेज क्ल्यूलेस, दे आर ऑलवेज डायरेक्शनलेस। कहने का मतलब है 10 कंपनी सोचो, उनके 8 फाउंडर्स जो होते हैं वो क्ल्यूलेस एंड डायरेक्शनलेस होते हैं। उनको खुद नहीं पता होता कि उनको अपनी कंपनी लेके कहाँ जानी है, वो क्या करना चाहते हैं। और ऐसे फाउंडर्स जब कंपीट करते हैं उन फाउंडर्स से जिनको लिटरली आइडिया है कि उन्हें ये गेम कैसे खेलना है, ऐसे फाउंडर्स हमेशा हारते हैं, और जो भी इम्प्लॉयज़ उनकी कंपनी में होते हैं उनका ले ऑफ होता है। हारते हैं का मतलब होता है कि कंपनी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है एंड ऑल ऑफ दैट, तो कंपनी उन एम्प्लॉइज़ का ले ऑफ करती है। तो ऐसे फाउंडर्स खुद भी चाकू घोंप रहे होते हैं खुद को, एंड ऐसे CEOs खुद भी चाकू घोंप रहे होते हैं खुद को, एंड ऐसे CEOs के अंडर जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनको भी एक काफ़ी ज़्यादा सफरिंग वाले फेज से गुजरना पड़ता है। तो बड़ा सब कुछ अजीब अजीब सा है, एंड आई डोंट नो What is the solution of it? Somebody can come to you to sell their product to say कि नहीं उन्हें solution पता है, buy their course. It's not like that, bro. Nobody knows shit. किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है. Everybody can just predict. मेरा खुद का एक prediction है, वो यही है, जल्दी से 3-4 साल हैं आपके पास, फटाफट पढ़ लो,
जिससे भी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, फट पढ़ो। इवन वी आर ब्रिंगिंग कंटेंट, शेयर एंड स्कोरिंग स्कूल भी कंटेंट लेकर आ रहे हैं, हम लोग भी ला रहे हैं। प्लीज प्लीज बुरा मत मानना, अब ये जो अब मैं बोलूंगा ये किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं है अगेन, बट ये एक जनरल बात है, बुरा मत मानना, ठीक है, मैं अपफ्रंट बोल रहा हूँ। बट तुम्हें इस माइंडसेट को छोड़ना पड़ेगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, ऑल ऑफ दैट। प्लीज़ इन्वेस्ट योर मनी इन सम गुड कोर्सेज, कोई भी किसी भी क्रिएटर का जो तुम्हारा पसंदीदा क्रिएटर हो, प्लीज़ इन्वेस्ट योर मनी इन बाइंग कोर्सेज, एक्चुअली बाइंग कोर्सेज एंड लर्निंग दैम क्विकली। क्योंकि होता क्या है, तुम सोचते हो कि पायरेट कर लेंगे, तुम सोचते हो थर्ड पार्टी से, दोस्त से ले लेंगे, तुम उसे कंप्लीट नहीं करते, तुम आधा छोड़ देते हो। इन्वेस्ट योर मनी इन टू इट, पढ़ाई में अपना पैसा लगाओ दोस्त, ठीक है, उन कोर्सेज को एक्चुअली कंप्लीट करो जिनको तुम बाय करते हो या जिनको तुम पढ़ना शुरू करते हो, तो उनको कंप्लीट करो एंड ट्राई योर बेस्ट टू गेट अ जॉब, बिकॉज इट्स गोना बी हार्ड आगे जाके। सो आई कैन जस्ट से दैट, थोड़ा सोचो दोस्त। मेरे पास बहुत कम शब्द हैं अब, बस मैं तुमसे इतना कह सकता हूँ कि प्लीज़ पढ़ाई करो और जॉब लेने की कोशिश करो, दैट्स अबाउट इट। अपने व्यूज़ कमेंट्स में लिखना यार, और मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मन के सारे थॉट्स पढ़ना चाहता हूँ मैं भी। प्लीज़ अगर तुम कहीं कमेंट नहीं भी करते, प्लीज़ कमेंट करो एंड मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ाई करते रहो और कुछ अच्छा करो। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई एम हर्ष वंदना शर्मा। यू कैन कनेक्ट विथ अस शेरियंस कोडिंग स्कूल ऑन इंस्टाग्राम, शेरियंस कोडिंग स्कूल। एंड आई रियली डू होप, मैं प्रे करूंगा भगवान से कि तुम्हारी जॉब लग जाए दोस्त, अच्छे से पढ़ाई करो।